evaluate the limit as x approaches 3 and the function is 1 upon x थ्री प्लस नाइन एक्स upon ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स क्यूब अब यहाँ अगर x की approaching value थ्री substitute करते हैं तो ये denominator जीरो बन जाएगा and यहाँ पर भी अगर हम थ्री substitute करते हैं तो थ्री cube ट्वेंटी सेवन सो ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन यहाँ पे भी upon जीरो आ जाता है So इसे हम simplify करते हैं पहले एंड देखते हैं क्या होता है तो इसका पहले ऑर्डर चेंज कर देते हैं ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स क्यूब का हम कर देते हैं 27. तो ये जो बीच का पॉजिटिव साइन है ये चेंज हो जाएगा दिस विल बिकम नेगेटिव तो हमें मिलेगा लिमिट एस एक्स अप्रोच थ्री वन अपॉन ये एक्स माइनस थ्री माइनस 9x upon, इसे हम लिख सकते हैं एज एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन अब ये अगर एक्सपैंड करें देखिए एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी सेवन को हम फैक्टराइज नॉट एक्सपैंड फैक्टराइज कर सकते हैं इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस थ्री क्यूब एंड फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर विच इज नाइन तो यहाँ पे ये प्लेस कर देते हैं हम सो लिमिट एज एक्स अप्रोच थ्री फिर आएगा वन अपॉन एक्स माइनस थ्री माइनस नाइन एक्स अपॉन ये आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वा प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन अब डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर देते हैं ये इक्वलाइज करने पर यहाँ पे एक्स माइनस थ्री तो है तो ये फैक्टर मिसिंग है तो यहाँ ऊपर नीचे एक्स 9 एक से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आएगा लिमिट एज एक्स अप्रोचे थ्री यहाँ ऊपर एक्स स्क्वा प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन और नीचे भी ये एक्स माइनस थ्री इन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन और ये सेकेंड टर्म यहाँ पे माइनस नाइन एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन अब डिनोमिनेटर तो इक्वलाइज हो गया न्यूमरेटर को कंबाइन कर देते हैं तो ये आ जाएगा लिमिट एज एक्स अप्रोचेस थ्री ये दोनों कंबाइन कर देते हैं सो so, ये आएगा एक्स स्क्वास थ्री एक्स प्लस नाइन माइनस नाइन एक्स एंड इन द डिनोमिनेटर हमें मिलेगा एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वा प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन फर्दर ऊपर अगर ये सब प्राक करते हैं थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स जाएगा माइनस सिक्स एक्स सो लिमिट एज एक्स अप्रोचे थ्री ये आएगा एक्स स्क्वाइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन एंड डिनोमिनेटर में एक्स माइनस थ्री इन टू एक्स स्क्वा प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन अब ये अगर हम ऑब्जर्व करें ध्यान से न्यूमरेटर एक्चुअली एक्सपेंशन है एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर का तो इसे हम लिख सकते हैं एज लिमिट एक्स अप्रोचिंग थ्री इसे हम लिख सकते हैं एज एक्स माइनस थ्री द होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन अब ये एक ब्रैकेट स्क्वायर के साथ कट कर सकते हैं रीजन एज एक्स इज अप्रोचिंग थ्री सो एक्स माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो अब जो रिमेनिंग टर्म्स है वो लिखते हैं न्यूमर में है एक्स माइनस थ्री ये रिमेनिंग है तो यह आएगा लिमिट एज एक्स अप्रोच थ्री टर में x माइनस थ्री डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन अब एक्स की अप्रोचिंग वैल्यू यानी थ्री को हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं इसमें एंड लेट्स क्या आता है ऊपर आएगा थ्री माइनस थ्री नीचे थ्री स्क्वायर प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस नाइन सो न्यूमरेटर में आया जीरो और नीचे ये नाइन प्लस नाइन प्लस नाइन सो दिस इज जीरो बाय ट्वेंटी सेवन सो हमारा फाइनल आंसर आता है जीरो